अध्याय एक प्रश्नावली 1.3 का 10वां प्रश्न कक्षा 12वीं के लिए देखिए क्या है। मान लीजिए कि f एक x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो एक f व्युत्क्रमणीय फलन है जो x टू y में परिभाषित है, हमें जब व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम होगा। तो हमें यह सिद्ध करना है कि f का जो प्रतिलोम है वह अद्वितीय है। अद्वितीय है इसका मतलब है कि f का एक और केवल एक प्रतिलोम होगा, इसके अलावा एक के अलावा कोई दूसरा प्रतिलोम नहीं होगा। तो इसको कैसे सिद्ध करें देखें। क्योंकि दिया गया फलन जो कि f है x से y में परिभाषित है, एक कैसा फलन है? व्युत्क्रमणीय फलन है। जब ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका मतलब है कि f एक की तथा आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अब जब ये f एकैकी और आच्छादक है तो ये व्युत्क्रमणीय है। हम मान लेते हैं इसके दो प्रतिलोम, माना f के दो प्रतिलोम, एक हमने g1 मान लिया व g2 है। ये f के दो प्रतिलोम है। अब यदि ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि ये इसके जो प्रतिलोम है वह अद्वितीय होता है। तो अपन मान लें ये जो दो प्रतिलोम हैं वह g1 व g2 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः एक y है जो कि एक अवयव y है जो कि इसके परिसर में आएगा के लिए प्रतिलोम की जो परिभाषा होगी उससे प्रतिलोम की परिभाषा से प्रतिलोम की परिभाषा से क्या हो जाएगा FOG1। यदि इसका G1 के साथ संयोजन किया जाए तो ये मिलेगा हमें Y अर्थात IY। व इसी प्रकार FOG2 दूसरे प्रतिलोम के साथ भी इसका संयोजन किया जाए तो हमें अवयव मिलना चाहिए Y अर्थात IY। अब ये भी IY है, ये भी IY है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि FOG1Y बराबर हो जाएगा FOG2Y। अब इसको हम लिख सकते हैं FZY1 और इसको लिख सकते हैं FG1Y और FG2Y। अब चूंकि फलन f एकैकी है, जब f एकैकी है तो इसका मतलब हो जाएगा कि यदि fx बराबर fy है तो g1y बराबर हो जाएगा g2y। इसीलिए g1 बराबर हो जाएगा g2 के। अतः f का प्रतिलोम अद्वितीय है। यही हमें प्रूफ करना था। 1.3 का 12वां क्वेश्चन कक्षा 12वीं के लिए। मान लीजिए कि f सच दैट x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है अर्थात f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। हमें क्या दिया है? एक f फलन है जो कि x टू y में परिभाषित है और जो व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ देखें, चूंकि फलन f जो कि x से y में
परिभाषित है। एक व्युत्क्रमणीय फलन है। जब ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका एक प्रतिलोम होगा। तो माना वह हमने जी मान लिया। माना एक अन्य फलन, एक अन्य फलन जो है जी, ये वाई टू एक्स में, जो कि वाई टू एक्स में परिभाषित है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि z और f का जब संयोजन किया जाता है तो हमें मिलता है ix, तथा f और g का जब संयोजन किया जाता है तब मिलता हमें iy। तो इसका मतलब है कि f का जो इनवर्स है वह g है, f इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारा g। अब आगे देखें, चूंकि z f बराबर है हमारा आई एक्स अर्थात x, तथा f ओ z बराबर है आई वाई, तो z का मान है f इनवर्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं f इनवर्स ओ f बराबर आई एक्स, व f ओ f इनवर्स बराबर आई वाई। इसका मतलब है कि जो फलन f इनवर्स है, अतः f इनवर्स जो है वह y टू x में परिभाषित है, वह व्युत्क्रमणीय है, क्रमणीय है। जब व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब हो गया कि इसीलिए f इनवर्स का इनवर्स बराबर f, f इनवर्स का इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारे पास f, और यही हमें सिद्ध करना था।